नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR होम्स में। तो आज मैं आपके लिए फिर से जयपुर की एक बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर, आम्रपाली नगर के नाम से कॉलोनी है, वैशाली वेस्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है और 100 गज का मकान होने वाला है जो कि वेस्ट फेसिंग का है। सारी ही सुख सुविधाओं के साथ में, अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ में एक प्यारा सा मकान मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं। देखिए, 4 यूनिट्स हमारे पास में है और अभी सारी की सारी ही यूनिट्स अभी हमारे पास में अवेलेबल है क्योंकि अभी रेडी हुए हैं मकान। और सामने की साइड में देखिए कुछ इस तरीके से आसपास में पूरी कॉलोनी आपको दिखाई देगी और जैसे सामने की साइड में भी बढ़िया बढ़िया विला बने हुए हैं। आम्रपाली नगर के नाम से ये कॉलोनी है और जो अपने वैशाली वेस्ट है वहाँ पर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। आप सामने की तरफ देख ही पा रहे हैं कि बहुत प्यारा खूबसूरत सा एलिवेशन आपको दिखाई दे रहा है। पानी के लिए यहाँ पर पानी का बोरवेल लगा करके दिया गया है तो पानी की समस्या आपको लॉन्ग टाइम तक कभी नहीं आने वाली है। और साथ ही ये बर्म एरिया से होते हुए सीधे हम लोग जो है हमारे विला के अंदर जाते हैं। प्रॉपर्टी जो है एक तरीके से 4 BHK है क्योंकि ऊपर की साइड में एक बहुत बड़ा हॉल भी दिया गया है जो कि साइज़ काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस साइड में भी आप देखेंगे तो रात के समय आपको बहुत अच्छा लुक आने वाला है। आपके मकान का लाइटिंग का जो कॉम्बिनेशन है पूरे ही मकान के साथ में आपको दिया गया है। इस साइड में आप देखेंगे तो ये जो डोर्स हैं आपने देखे होंगे, हाइट काफ़ी अच्छी दी जाती है डोर्स की, लेकिन यहाँ पर हाइट अच्छी नहीं है लेकिन डोर जो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी में आपको मिल रहा है। काफ़ी हैवी है, जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस डोर की जो क्वालिटी है वो बेस्ट होने वाली है। यहाँ पर देखेंगे पार्किंग का जो स्पेस है, बड़ी से बड़ी इजीली अपनी कार आप इजीली पार्क कर पाएंगे। अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है, लगभग 9x21 का साइज़ आपको दिया गया है। इस साइड में आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा स्पेस है जहाँ पर अपनी बाइक वगैरह इजीली आप 2 बाइक आराम से पार्क कर पाएंगे। यहाँ पर वाटर टैंक प्रोविज़न है जहाँ पर अपने जो है पानी को आप स्टोर कर पाएंगे। आप चाहें तो सबमर्सिबल मोटर लगवा सकते हैं, चाहें तो बाहर वाली जो मोटर आती है वो लगवा सकते हैं। ऊपर की साइड में देखेंगे तो वुडन का टेक्सचर आपको दिया गया है। प्राइस जो इसका होने वाला है वो होने वाला है 82 लाख रुपये जो कि JDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, सेपरेट पट्टा है तो सभी बैंकों से इजीली लोन हो जाएगा। विंडो आप देख रहे हैं, बड़ी सी विंडो है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका बना रहेगा। और ये मिल जाता है आपको जाली वाला गेट यानी कि वायर मेश डोर और यहाँ से आ जाता है इसका हॉल। हॉल का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है, ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है जहाँ पर लिविंग डाइनिंग एरिया आप दोनों सेट कर सकते हैं। जयपुर की एक बहुत अच्छी लोकेशन वैशाली वेस्ट में प्रॉपर्टी लोकेटेड है। ऊपर की साइड में देखिए फॉल सीलिंग का जो वर्क है वो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा आपको दिया गया है। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं रेलिंग का काम देख रहे हैं, रेलिंग का वर्क देख रहे हैं कि ग्लास के साथ में ये जो है टफन ग्लास के साथ में आपको लगा करके दिया गया है। जिंदल का ये जो है रेलिंग है, रेलिंग ही काफ़ी महंगी आपको दी गई है। आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए इसको देखने के बाद में कि यहाँ पर जो काम करके दिया गया है वो बेस्ट टू बेस्ट वर्क यहाँ पर आपको करके दिया गया है। अभी देखिए यहाँ पर आपको वॉश बेसिन का एरिया है लेकिन इसे भी पूरा कवर करके दिया गया है, ऐसा बेकार से लगना नहीं चाहिए। मकान ले रहे हैं, एक बार लेते हैं तो जो है सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी को लिया जाता है और बनाया भी जाता है। मैं आपको सब चीज़ों का जो है साइज़ वगैरह मैं आपको बताऊँगा। लगभग हॉल के अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो जो है यहाँ पर आपको 12x और लगभग जो है यहाँ पर आपको 14 का साइज़ यहाँ पर इसके हॉल का मिल जाता है। काफ़ी स्पेशियस साइज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। इस तरफ आपको देखिए कितना प्यारा साइज़ यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। स्पेस नीचे दिया गया है, LED पैनल उस साइड में भी लगा सकते हैं चाहे इस साइड में, तो यहाँ पर दोनों ही साइड में आप किसी भी तरफ LED पैनल लगा सकते हैं। वुडन का पूरा वर्क बहुत प्यारा खूबसूरत करके दिया गया है। यह आ जाता है इसका एंट्रेंस जो कि इसका किचन का एंट्रेंस है, काफ़ी बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा वुडन का यहाँ पर भी वर्क आपको करके दिया गया है। यहाँ पर आप अपना जो है इस साइड में फ्रिज आप इंस्टॉल कर पाएंगे। साइज़ बताऊँ यहाँ पर इसकी अगर किचन की तो 6x13 का साइज़ यहाँ पर किचन का मिल जाता है। काउंटर टॉप ग्रेनाइट के वर्क के साथ में है। ऊपर की साइड में प्रॉपर कैबिनेट, सामने की साइड में विंडोज़ और दोनों ही साइड में इस तरफ भी विंडो आपको दी गई है जिससे कि प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका बना रहेगा। किचन का साइज़ अच्छा है जो कि 6x13 का आपको दिया गया है। यहाँ से अगर आगे की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ तो कॉमन प्लस अटैच बाथरूम जो कि इस साइड में आपको दिया गया है, ये इसका कॉमन प्लस अटैच बाथरूम है। साइज़ इसका भी काफ़ी स्पेशियस आपको मिल जाता है। देखिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये आ जाता है इसका बेडरूम, बेडरूम का साइज़ 10x14 का आपको मिल रहा है। यहाँ पर इस साइड में आपको वॉलपेपर है और ऊपर की साइड में फॉल सीलिंग का वर्क है। रूम के साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पर देखिए ये मंदिर जो कि पूरा अच्छे से डिज़ाइन करके दिया गया है। इसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा है तो आप चाहें किसी भी तरीके से और अच्छा डिज़ाइन करवा सकते हैं। सामने की वॉल पर पूरे पर ही आपको मिल जाता है आपको वार्डरोब जहाँ पर आपका जो भी ड्रेसेस वगैरह चाहें वो आप इजीली रख पाएंगे। मैंने आपको बताया था कॉमन प्लस अटैच बाथरूम है तो इसके पीछे की साइड में इसका डोर आपको मिल जाता है जो कि कॉमन या फिर अटैच दोनों तरीके से आप इसमें यूज़ में ले पाएंगे। यहाँ पर आ जाता है इसका बैकयार्ड का एरिया जो कि काफ़ी स्पेशियस है और एल शेप में मिल रहा है। देखिए स्पेस काफ़ी अच्छा है यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से, जहाँ पर आप चाहें स्टोर रूम की तरह या फिर चाहें वॉशिंग एरिया की तरह किसी भी तरीके से इसे यूज़ में ले सकते हैं। प्राइस होने वाला है इसका 82 लाख रुपये जो कि वैशाली वेस्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। 100 गज में प्रॉपर्टी है जो कि 4 BHK हम लोग इसे कह सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर बड़ा एक हॉल दिया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा।
लेकिन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पर देखिए आपको फुट लैंप्स दिए गए हैं जिससे कि आपका विजिटिबिलिटी बनी रहे। और ये आ जाता है इसका बड़ा सा हॉल, हॉल का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस यहाँ पर आपको मिल रहा है। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 9x18 का साइज़ यहाँ पर इस रूम का, इस हॉल का मिल जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो है वॉश बेसिन है और इस साइड में वॉलपेपर लगा करके दिया गया है। पहले मैं दिखा देता हूँ उसका, ये देखिए कॉमन बाथरूम साइड में देख लीजिए, ये भी काफ़ी स्पेशियस साइज़ में आपको मिल रहा है। ये आ जाता है इसका रूम जो कि 10x14 के साइज़ में फिर से स्पेशियस साइज़ में है। ये देखिए सामने की साइड में विंडो है, ऊपर की साइड में आपको मिल जाता है फुल सीलिंग का वर्क, यहाँ पर मिल जाता है बाथरूम। इस तरफ देख लीजिए यहाँ पर आ जाती है इसकी वार्डरोब्स, तो आपका जो भी सामान वगैरह हो वो इजीली आप रख पाएंगे। यहाँ से अगर इस तरफ देखेंगे हम लोग तो ये आ जाता है इसका बैकयार्ड का एरिया, ये भी काफ़ी स्पेशियस साइज़ में आपको मिल रहा है। ये देखिए आप किसी भी तरीके से जगह को यूज़ में ले सकते हैं। प्रॉपर्टी वैशाली वेस्ट के अंदर लोकेटेड है, आम्रपाली नगर के नाम से कॉलोनी होने वाली है। यहाँ से अगर मैं आगे की तरफ आपको लेकर के चलूँ तो यहाँ पर इस साइड में आपको एक और बेडरूम आ जाता है। बेडरूम उसका साइज़ जो है वो काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है। ये देखिए इस साइड में लगभग 14x13 का साइज़ यहाँ पर बेडरूम का है। सामने की साइड में वॉलपेपर है, ऊपर की साइड में आपको जो है मिल जाता है इसका जो है फुल सीलिंग का वर्क। यहाँ पर आपको वार्डरोब दी गई है तो आपका जो भी सामान वगैरह चाहे वो आप इजीली रख पाएंगे। स्पेशियस साइज़ में आपको ये देखिए वार्डरोब्स भी अवेलेबल है। यहाँ से अगर मैं आगे की तरफ की बात करूँ यहाँ पर तो ये आ जाती है बड़ी सी बालकनी, बालकनी का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है। एक बार बालकनी देख लीजिए कैसे होने वाली है, और सामने की तरफ मकान देखिए और ये कॉलोनी देख लीजिए कैसे होने वाली है। पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड ये कॉलोनी है। अभी हम लोग चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर में आपको टूर करा देता हूँ कैसा होने वाला है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि 4BHK की तरह इस जगह को यूज़ में आप ले सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बढ़िया साइज़ आपको मिल रहा है, स्पेशियस साइज़ है, तो आ जाइए देख लेते हैं। ये देखिए बड़ा सा हॉल है, आप इसे रूम की तरह यूज़ में ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बाथरूम भी दिया है जो कि इस हॉल के साथ में अटैच है। आगे पीछे टेरेस का एरिया है, यहाँ से भी देख लीजिए एक बार ओपन टेरेस, और इस तरफ भी ओपन टेरेस दिया गया आगे की तरफ में। ये देखिए तो प्रॉपर्टी जो आज मैंने आपको दिखाई वो 15x60 के डायमेंशन में 100 गज में बनी हुई है। वेस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी है, JDA अप्रूव्ड है, साथ ही सेपरेट पट्टे के साथ में है, सभी बैंकों से लोनेबल है। आम्रपाली नगर के नाम से वैशाली वेस्ट के अंदर ही प्रॉपर्टी लोकेटेड है। 82 लाख रुपये इसका प्राइस है, ऑन टेबल कुछ ना कुछ मान सम्मान में ज़रूर कम किया जाएगा। और आप कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 80% लोनेबल ये प्रॉपर्टी है। तो कैसा लगा वीडियो कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। आज अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।